बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं हूँ स्वीटी वर्मा, आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नए फलबाग की स्थापना के लिए मिलता है अनुदान। गलघोटू और लंगड़ा रोग से मवेशियों को बचाने के लिए समय पर करवाएं टीकाकरण। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के वैसे कृषक जिनके पास अतिरिक्त भूमि है और नए फलबाग की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे किसानों के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फलबाग और गैरवर्षीय फलबाग की स्थापना के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है। जिन किसान भाइयों के पास अतिरिक्त भूमि है और वे उस भूमि का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके लिए फलबाग लगाना उत्तम होगा, क्योंकि झारखंड राज्य बागवानी मिशन नए फलबागों और गैरवर्षीय फलबागों की स्थापना के लिए अनुदान मुहैया कराती है। इस योजना के तहत इन बागों की स्थापना की लागत का अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिया जाता है। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोग लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो सकती है। ये रोग पशुओं को ना लगे इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। गाय गौवंशीय पशु में जो गाय उत्पादन के लिए जो पशु है, अभी के मौसम को देखते हुए खास करके HS और BQ ये दो बीमारी है जो गला घोंटू भी कहते हैं और लंगड़ी बुखार, ये बीमारी गर्मी बरसात में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो बीमारी होता है, जैसे गला घोंटू बीमारी, गला का फूल जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, तेज बुखार होना और गौवंशीय पशु जो है वो मर जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए HS का टीका अभी बरसात से पहले अवश्य लगा दें, क्योंकि उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने में लगभग 1 से 1.5 महीने गायों को लगता है। तो बरसात से पहले उसका टीकाकरण करने से HS और BQ लंगड़ी बुखार और गला घुंटू बीमारी से इसका बचाव कर सकते हैं। गर्मा धान भी हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। वैसे तो धान में कई उन्नत प्रभेद हैं जो अच्छी उपज देते हैं। गर्मी में बुआई के लिए कृषि वैज्ञानिक कम अवधि वाले किस्म की बुआई करने की सलाह देते हैं। कम अवधि वाले धान की किस्म में सहभागी नामक किस्म कृषि वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित है, जिनकी छिटवा विधि से बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। सहभागी धान गर्मा फसल के रूप में या टाढ़ भूमि में लगाने योग्य होता है। कम पानी उपलब्धता वाले जगहों में भी ये धान किस्म लगाई जा सकती है। ये किस्म सूखा और अधिक जल जमाव भी सहन करता है और लगभग 115 दिनों में तैयार हो जाता है। 1 हेक्टेयर में सहभागी धान की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 4 टन उपज पाई जा सकती है। आम के पेड़ पर मंजर बहुत अच्छा है, जिससे बेहतर आम के उत्पादन की संभावना है। इस अवस्था में मधुआ कीट लगने की संभावना रहती है। ये कीट मंजर कोमल टहनियों और पत्तर पर रस चूस लेते हैं, जिससे पत्ते और मंजर सूख जाते हैं। साथ ही ये कीट मधु जैसा उत्पाद पत्तों पर छोड़ते हैं, जिससे पत्तों पर काले धब्बे हो जाते हैं जो आम की फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं। इस मधुआ कीट से आम की फसल को कैसे बचाएं, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। अभी किसान भाई देखेंगे, जो किसान भाई आम की खेती कर रहे हैं उनके खेत में फसलों पर, आम के पौधों पर मधुआ कीड़ा का प्रकोप हो गया है। जो मधुआ कीड़ा है कि वो मुलायम पत्तियों से, मंजरों से रस चूसता है और मधु छोड़ता है, जिससे कि बीमारियां बढ़ जाती है आकर के और पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है। जहां पर इस कीट का प्रकोप हुआ किसान भाई, एक दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को लें और 1 लीटर पानी में मिलाएं और 2 ग्राम बेबेस्टिन डालें और उसके बाद उसका आप छिड़काव करें। इससे भी कीट भी नियंत्रित हो जाएगा और जो रोग आता है मधुआ कीड़ा के द्वारा, मधु के द्वारा, तो उसका भी नियंत्रण हो जाएगा। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है।
इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने की क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की, तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। क्या नाम है आपका? मीरा मनी। मीरा मनी, हाँ। मुरेश्वर जी आपके पति हैं? हाँ। तो आपके पति जो सुकर पालन का काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन करते हैं, खेती का काम करते हैं, हाँ। कितना सहयोग करते हैं अपने पति का आप? हम लोग 13-14 साल से करते हैं, खाना लाइन के यहाँ छोड़ देते हैं, जाते हैं अंते काम करने। हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, खाना देते हैं, अथी हैं देखिए, उसके बाद खेती करते हैं, खेती पटाते हैं, खेती सब्जी बेचने जाते हैं, सब मिल के काम करते हैं। हाँ। कितना पहले का स्थिति जो घर का था, पैसा कौड़ी का बताया थे, काफ़ी दिक्कत रहता था, और जब से सुकर पान के काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, कितना स्थिति आपका बढ़िया हुआ घर का? हम इन 10 परिवार रही है। हाँ। आजकल अलग अलग हो गए, पहले 10 परिवार हो गए। हाँ। रही है नहीं तो हम इनकर घर मन चलत रहे। और अपने नजर राज्य के प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें जाना मौसम का हाल और कृषि की नई तकनीक के बारे में। वक्त है एक छोटे से विराम का, विराम के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, या अरिणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद आपका स्वागत है। खेतों में ग्रीष्मकालीन जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट और रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही साथ ये खेतों में नमी एवं उसकी उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। इसी विषय पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट, जिसमें आप देखेंगे ग्रीष्मकालीन जुताई के महत्व के बारे में। ग्रीष्मकालीन जुताई रबी फसल की फसलें कटने के बाद शुरू होकर बरसात शुरू होने पर खत्म होती है, अर्थात अप्रैल से जून माह तक ग्रीष्मकालीन जुताई की जाती है। जहां तक हो सके किसानों को गर्मी की जुताई रबी की फसल कटने के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इससे आने वाली फसल की अच्छी पैदावार होती है। आज हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा में, और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक श्री संजीव कुमार जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन खेतों की जुताई का क्या महत्व है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से करना चाहिए ताकि किसान भाइयों की इसका भरपूर लाभ हो सके। देखिए, ग्रीष्मकालीन जुताई जैसे सुनने में तो बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन किसान भाइयों इससे हमारा जो खास करके झारखंड में जो हमारी खेती पद्धति है, रेनफेड जो हम लोग का वर्षा आधारित खेती, इसमें बहुत ही लाभप्रद है। हर तरह से मायने से हम लोग ग्रीष्मकालीन जुताई पहले से चली आ रही है। इसमें क्या है कि अभी जो वर्षा हमारे ऊपर रवि के बाद जो बारिश होती है, हम लोग ध्यान रखते हैं कि उस बारिश के बाद हल में खेत में हल लगने लायक मॉइस्चर हो कभी भी, उसकी उस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं और गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी गर्मी पड़ती है, इस धूप में जो भी गर्मी है जो अप्रैल और मई महीने में, इसमें क्या होता है कि नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर की मिट्टी नीचे आती है, जो कीट मकोड़े हैं वो मरते हैं,
खास करके जो यहाँ पे खरपतवार है उसका नियंत्रण इससे होता है। और सबसे अधिक जो फायदा होता है हमारे ऊपर कि वर्षा जब भी कभी बीच में होती है तो जो हम लोग का नारा है कि खेत का पानी खेत में, तो सभी बारिश के पानी खेत में ही रहते हैं, मेट से बाहर बढ़ के नहीं जाते। जूता हुआ खेत में कभी भी आप देखेंगे कि बारिश का पानी बहता नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जामताड़ा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजीव कुमार कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन जुताई के बहुत सारे लाभ हैं। रवि फसल को काटने के बाद किसानों को ये जुताई अवश्य करनी चाहिए, इससे वायु संचार अच्छा होता है, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। मृदा की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए किसानों को गहरी जुताई ग्रीष्मकाल में करनी चाहिए। जो हमारा है कि रोग व्याधि और जब सोलनाइजेशन, जब धूप से जो जमीन पकता है तो आने वाले समय में क्या होता है कि उसमें पैदावार भी अधिक होती है। और ख़ास करके जब हम गहरी जुताई करते हैं तो नीचे की परत जब खेत में टूटती है तो पानी का आवागमन अच्छा होता है, और पानी जब ऊपर नीचे जाएगा, एरेशन होगा, उसमें पैदावार भी ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में जब किसान भाई गर्मा की जुताई करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद है। इससे तीन तीन चीज़ हुआ, पहला कि हम लोग खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, दूसरा कि कीट व्याधि जो भी है उसमें उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, और तीसरा कि पुराने अगर कोई रोग किसी बीज में, सबसे महत्वपूर्ण है कि अगले साल हमने कोई बीज लगाया उसमें किसी में कुछ बीमारी आ गई है, वो अगर हमारे खेतों में है, अगर हम लोग ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं तो इससे क्या होता है कि उस बीमारी से भी बची जा सकती है कि अगले साल उस खेत में वो नहीं आएगी। और सबसे जो अधिक हमारा है कि झारखंड ऐसे जगह पे जहाँ पे कि हमें पानी की आवश्यकता है, हम लोग बरसात खेती करते हैं, तालाब और कुआं से पानी ये खेतों को सिंचाई करते हैं, तो जब हम लोग मई में भी बारिश होती है, इन सारी पानी जो है हमारे खेतों में होकर के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसको रिचार्ज करता है। झारखंड में ज्यादातर खेत पठारी इलाके में आते हैं, यहाँ सिंचाई के साधन भी अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे में संजीव कुमार बताते हैं कि किस तरह से आप खेतों में ग्रीष्मकालीन जुताई कर सकते हैं और फसलों को लाभ पहुँचा सकते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा सिचुएशन, जो हम लोग बरसात आधारित खेती करते हैं झारखंड में, सभी किसान भाई बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास सिंचाई की सुविधा है कि हम लोग कूप से सिंचाई करते हैं और ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, तो जहाँ पे नदी नाला से सिंचाई करते हैं, खास करके जो गर्मी में जो हम लोग ये फसल लगाते हैं कोई भी खरीफ की मौसम में, सारी वर्षा आधारित खेती करते हैं। इस स्थिति में अगर हमारा पानी का लेवल या मॉइस्चर खेतों में नमी बरकरार नहीं है तो हम अच्छी खेती नहीं कर सकते। ये गर्मा जुताई में क्या होता है कि प्री मानसून जब भी ये बारिश होती है हमारी मई में हो जाए, और ये जब गर्मी की जुताई कर लेंगे हम लोग, ये ग्रीष्मकालीन जुताई जिसे कहते हैं कि हम लोग फरवरी मार्च महीने और अप्रैल महीने में अगर जुताई खेत की हुई है, इस स्थिति में क्या होगा कि हमें समय अनुकूल, जैसा कि हम लोग लगाते हैं कि मई के लास्ट वीक और जून के प्रथम वीक में खरीफ में अगर हम लोग दलहनी फसल लगा दें, खास करके अरहर, तो ग्रीष्मकालीन का इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि अगर हम लोग जुता हुआ खेत है उसमें क्या होगा कि जैसे ही मई में फर्स्ट लास्ट वीक में थोड़ी भी बारिश हुई तो हमारा खेत क्या होगा कि हल्की रहती है, जुता हुआ खेत है, एक जुताई करके हम लोग दलहनी फसल लगा देंगे, ये एकदम उचित समय है दलहनी खास करके। और जो दाल की फसलें हैं हमारे झारखंड में बहुत अच्छी होती है, इससे किसान भाइयों को दो तरह से फ़ायदा होगा कि दलहनी फसल लगाएंगे तो अगर वर्षा कम होती है, वर्षा पे आधारता हमारी कम हो जाएगी और सूखा की स्थिति से निपटने के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्रीष्मकालीन जुताई से एक तरह से कह लें कि हम कई तरह से किसानों को ये संरक्षण दे सकते हैं। क्या होगा कि जब जुताई का समय आएगा, ऐसे हल्की बारिश में पूरे जो खेत पहले से पड़ी हुई है रबी के माह से या खरीफ अगले साल से पड़ी हुई है, उस खेत की जुताई हल्की बारिश में नहीं कर सकते। लेकिन ग्रीष्मकालीन जुताई जिस खेत में की गई है उस खेत में हल्की बारिश भी हुई अगर मई के महीने में कभी भी, तो हम लोग जुताई करके दलहनी फसल या मक्का की फसल उचित समय पर लेंगे, उससे बढ़िया हमारा फसल होगा और किसानों को अधिक लाभ होगी। कृषि वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि ग्रीष्मकालीन जुताई करने से बरसात के पानी द्वारा खेत की मिट्टी कटाव में भारी कमी होती है। ग्रीष्मकालीन जुताई से गोबर की खाद और अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में अच्छी तरह मिल जाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र ही फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। यह धान की खेती में काफी कारगर साबित होती है। इसमें धान में तो फायदा होगा ही, खास करके जब फायदा की ये बात है कि जैसे ही हमारा, हम लोग जो किसानों में एक अवधारणा है यहाँ पे अपने यहाँ कि बारिश जब मूसलाधार बारिश होती है तब किसान खेत में जाते हैं हल लेकर के, पानी पड़ता रहता है उसमें हम लोग धान के लिए जो पडलिंग करते हैं, कदवा करते हैं, उसे तैयार करते हैं खेत कि उसकी रोपा की जा सके। लेकिन जहाँ पे हमारा
पहले से ग्रीष्मकालीन जुताई की हुई है उस खेत में क्या है कि पहले से जुताई होने के चलते खेत हल्की होती है और हल्की बारिश होने पे भी खेत में पानी जमा हो जाता है। जबकि आप देखेंगे दूसरी तरफ जो मैदानी क्षेत्र है, मैदान ऐसा खेत है पहले से ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं की गई है, उसमें जब तक कि दिन रात बारिश ना हो पानी खड़ा नहीं होगा क्योंकि उसकी पानी बह जाती है बाहर। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन खेत की जुताई की हुई है उसमें थोड़ा भी पानी होता है तो पानी खेत में ही रह जाता है, बाहर नहीं होता है। इस कारण से किसान को धान की खेत तैयारी करने में भी बहुत फायदा होती है। और दूसरा है कि ग्राउंड वाटर टेबल की बात कर रहे थे, तो खेत में जब पानी रहेगा तो जब हमारा पानी का बहाव बाहर नाला नदी में नहीं होगा तो क्या होगा, नीचे परकोलेट करेगा, खेत में नीचे ज़मीन में जाएगा, इससे हमको जो वाटर लेवल है इसमें भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों अभी आपने देखा ग्रीष्मकालीन जुताई के महत्व के बारे में, आगे और भी है बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बकरी के शरीर का तापमान बढ़ना, बकरी को तेज बुखार होना, साथ ही आँख और नाक से लगातार लार सी टपकते रहना और दस्त एवं निमोनिया की शिकायत होना, ये सभी लक्षण PPR रोग के हैं। इन रोग से बचाने के लिए बकरियों को समय समय पर टीकाकरण देना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही इस रोग से ग्रसित बकरियों को अन्य बकरियों से दूर रखना चाहिए। तो इसी विषय पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट जिसमें आप जानेंगे बकरियों में होने वाले PPR रोग और उनसे बचाव के बारे में। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के जो किसान भाई हैं वो अधिकतर बकरियों का पालन करते हैं और बकरियों में मुख्य तौर से PPR का रोग लगता है, उसका निदान किस तरीके से किया जाता है, आइए हम यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार जी से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से PPR रोग का बचाव और उसका निदान किस तरीके से किया जाता है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार किसान भाई मित्रों। सर अगर हम बकरियों की बात करें तो झारखंड के जो किसान हैं मुख्य तौर से बकरियों का पालन करते हैं और अपनी आमदनी का उनका एक जरिया है, कहते हैं कि बकरी जो है ATM की तरह काम करता है, बाजार में गए उसको ले जाकर बेच देते हैं, उन्हें कैश पैसा मिलता है। जी जी। तो मुख्य तौर से बकरियों में PPR का रोग लगता है। जी जी। तो ये PPR का रोग क्या है, उसका फिर पहचान का तरीका क्या है, उसका निदान किस तरीके से किया जाए, हमारे किसान भाइयों को बतलाएं ताकि उसे पहचान कर सही समय पर उसका रोग का निदान कर सकें। वो सही कहा आपने, जैसे बकरी को ग्रामीण क्षेत्र में ATM भी कहा जाता है, अगर पैसे की थोड़ी भी ज़रूरत हो तो अपने एक दो बकरी को बेच करके अपनी घरेलू आवश्यकता को वो पूरा करते हैं। जहाँ तक बात है हमारी बकरियों की, लगभग हमारे देश में जनसंख्या 12.5 करोड़ है और उसमें लगभग 4% हर एक साल हमारा जनसंख्या बकरियों की बढ़ते जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसकी मृत्यु दर देखें तो लगभग हमारे जो 10% बकरियां की मृत्यु जो होती है बीमारी के कारण होती है, और उसमें अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो जो 10% बकरियां मर रही है उसमें लगभग 6-7% इसी संक्रामक रोग, जिसको हम लोग PPR अंग्रेज़ी में बोलते हैं, ये आपको बकरियों का प्लेग भी हिंदी में कहते हैं, जिसको बकरी के प्लेग के कारण हमारे 6-7% बकरियां मर रही हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि आज के तारीख में अगर किसी किसान भाई के पास या किसी गांव की हम बात करें, अगर 200-300 बकरी है तो, और ये PPR के कारण लगभग आपका 200 में से 150-200 या उससे भी ज़्यादा बकरियां की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये जो PPR है खास करके बकरी उद्योग के लिए बहुत ही ख़राब बीमारी है, और अगर इसका उपाय नहीं किया गया
तो किसान बंधुओं को काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। आप तुलना कीजिए कि एक बकरी का दाम 4,000 रुपया है, अगर उनकी 10 बकरी है, 10 में से 6-7 मर गई तो काफ़ी ज़्यादा आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। अब रही बात कि ये PPR है क्या, ये एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, मॉर्विली वायरस के द्वारा ये फैलता है और ये हवा से, पानी से, आदमी के द्वारा या एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण ये वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, बकरियों में फैलती है। और वैसी बकरियां जो काफ़ी दुर्बल है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, उसमें तो ये बहुत जल्दी ही ये अपना घर कर जाती है और बकरियों को मौत का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए टीका छोड़ करके कोई उपाय नहीं है, टीका के छोड़ करके कोई उपाय नहीं है। जहाँ तक रोग के लक्षण की बात है तो इसमें जो देखा जाता है कि बकरियों की आँख से पानी आना, नाक से पानी आना या पूरा नेटा उसके नाक में पूरा भर जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में बलगम बढ़ जाती है, खाना पीना कम कर देते हैं, बकरियों को बुखार हो जाती है, 104 डिग्री 105 डिग्री तक बुखार हो जाती है और उसके बाद दस्त भी आना शुरू हो जाता है। और ये सारे लक्षण के बाद आँख में कीची, नाक में से पानी आना, मुंह में घाव, दस्त, बुखार आना, खाना पीना छोड़ देना, ये सारे लक्षण आने दिखने के बाद 4-5 दिन के अंदर या दूसरे दिन से ही मरना शुरू हो जाती है और 4-5 दिन के अंदर हमारी सारी बकरियां वहां की अकाल मृत्यु को ग्रसित हो जाती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि बकरियों का प्लेग है जी, ये रोग लगने के बाद जो है बकरियां मतलब कि उनका मृत्यु दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता जी, है जी। और आपने बताया कि इसका एकमात्र उपाय है कि उसका टीकाकरण करके उसका हम निदान कर सकते हैं जी, जी। तो टीकाकरण कब किया जाए, किस समय करना लाभकारी होगा ताकि जो बकरियों में मृत्यु दर है वो इस बीमारी से कम हो सके और हमारे किसान भाई को आमदनी उनकी जो है उनमें गिरावट ना आए बल्कि सालों भर एक जैसा उनका आमदनी होता रहे। तो ये जैसा बताया कि आपने जो टीकाकरण है, ये टीका का नाम है PPR का टीका। अब बात उठती है कि ये कहाँ से मिले, तो ये हमारे पशु अस्पताल में जितने भी राज्य स्तरीय पशु अस्पताल हैं वहाँ ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, वहाँ से ये टीका ले सकते हैं। अब ये जो है टीका जो है वो 3 महीना से ऊपर के जितने भी बकरियों को है वो उनको लगना है ना। और गाभिन को जो 3 महीना से ऊपर की गाभिन हो गई है तो उन बकरियों को नहीं लगना है। और सबसे बड़ी इसमें लगाने के समय सावधानी देखना होगा कि ये विषाणु जनित जो रोग है वो आपके परिवेश में आई नहीं हो, है ना। क्योंकि लगने के बाद फिर टीका नहीं, क्योंकि ये आपका जीवित विषाणु जो हमारा टीका रहता है वो लाइव वैक्सीन है, तो इसीलिए रोग लगने के उपरांत इसको टीका नहीं दिया जाना चाहिए। तो साल में कभी भी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले आपको सावधानी होगा देखना होगा कि 3 महीना से ऊपर की हमारी बकरियां हों और गाभिन अगर है तो 3 महीना से ऊपर की गाभिन बकरियों को नहीं देना है और गांव घर में बीमारी का आक्रमण नहीं हुआ है तभी हमको ये टीका देना चाहिए। अभी आपने बताया कि जो गाभिन बकरियां हैं चाहे जो रोग लग गया है उसको उसका टीकाकरण नहीं करना है, तो सबसे उपयुक्त समय कब है इसका देने का? साल में आप कभी भी दे सकते हैं, है ना। साल में ऐसा नहीं है कि जनवरी, फरवरी या मार्च, जब भी आपको सिचुएशन आपको फेवरेबल लगे या रोग नहीं आया है तो आप उस समय दे सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आपने अगर एक बार टीका लगा दिया बकरी को तो अगला 3 साल तक ये हमारी जो बकरियाँ हैं इस रोग से बची हुई रहेंगे, उसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बार आपने लगा लिया तो कह सकते हैं कि 3 साल में हम लोग बकरी को फिर हटा देते हैं, बेच देते हैं हमारे ग्रामीण भाई बंधु, तो काफ़ी पर्याप्त जीवन भर के लिए हम कह सकते हैं कि ये आपका ये है। लेकिन आपको उस समय विषाणु आपके गाँव में, आपके परिवेश में नहीं आना हुआ, संक्रमित होना चाहिए, ये ध्यान देना। चलते चलते हमारे किसान भाइयों के लिए PPR के बारे में और क्या बताना चाहते हैं आप? PPR जैसे हम लोग बोलते हैं आदमी में, हम 6-7 वैक्सीन लगाते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, तो बकरी में आप कोई टीका लगाएं चाहे नहीं लगाएं लेकिन PPR का टीका ज़रूर लगाएं। नहीं तो किसी भी समय हमारे ग्रामीण जो भाई बंधु हैं वो धोखा खा सकते हैं, आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, टीका लगाना एकदम मस्ट है, ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है।
और ये जो हम लोग टीका लगाते हैं ये हम लोग चमड़े में लगाते हैं, 1 ml जो है वो हम लोग उसको चमड़े में लगाते हैं। तो किसान भाई जरूर PPR का टीका अपने बकरियों में भेड़ों में लगाएं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप इससे जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। और अब आप आइए अपने अधिकार के बारे में, क्योंकि आपका वोट अमूल्य है, अपने देश के लिए वोट जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।